नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज का टॉपिक है कि C2 और C2 टू प्लस का आने कार्बेटर डायग्राम बनाना है हम लोग को पिछली वीडियो में मरान का बना दिया था उसके पिछली वीडियो में बेरेलीम का अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अदरवाइज मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा सी टू और सी प्लस का ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है आपको मैं जो पहले से बताते आया हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कार्बन का परमाणु संख्या छ होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी दो चार और दो ठीक है ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन हाँ तो दोस्तों अब इसका हम लोग बनाएंगे बॉक्स ठीक है तो पहले वन एस का बनाना है इससे दोनों से मिलकर बनने वाला जो एक होगा नीचे यानी लोअर एनर्जी का ऊपर हायर एनर्जी का ठीक है संग में मिलाते चलते हैं इसको आप लोग सही से मिलाइएगा ठीक है दूसरा बनाना है इसको ही मिला लीजिए आप लोग ठीक है अब इसके बाद ये हमारा हो गया वन एस फिर टू एस और ये हो गया हमारा टू पी वन एस टू एस टू पे ठीक है तो इसके पास छह बनाना है एक दो तीन और फिर एक जगह की थोड़ी कमी है तीन हो गया ठीक है अब इसको भी मिला लेते हैं अब हमारा सारा बॉक्स बन के तैयार हो गया ठीक है अब हमको क्या करना है इसका नाम करना है नाम लिखना है तो इसी ये हमारा हो गया कार्बन एक कार्बन दो ठीक है और दोनों से मिलकर ये C2 हमारा हो गया ठीक है तो सिग्मा वन एस स्टार 1s, वन एस फिर सिग्मा टू एस स्टार 2s, टू एस फिर यहाँ पे अब मैं नहीं लिखूंगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू जेड क्योंकि लिखूंगा तो बहुत गंदा लगेगा ठीक है क्योंकि जगह की कमी है अब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो कार्बन के पास छह इलेक्ट्रॉन तो एक दो तीन चार पांच और छह ठीक इसी प्रकार इधर भी फिल करेंगे एक दो तीन चार पच ठीक है छ इलेक्ट्रॉन हो गया और इसको और इसको जोड़कर बीच वाले को फिल करते हैं आपको पता ही होगा तो छ इलेक्ट्रॉन और छ इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग को फिल करना है एक दो पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ठीक है तो हम लोगों ने फाइनली इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दिया तो ये हमारा बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। मतलब C2 का जो है डायग्राम तैयार। ठीक है अब इसमें आपको बंधन कोटि निकालना हो बंधन कोटि। के लिए फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई टू तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है दो चार और चार आठ तो आठ माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं दो और दो चार बट दो कितना हुआ चार बाई दो इज्कवल टू दो इसका, इसका बंधन कोटि कितना हुआ दो ठीक है कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दो चार छ आठ आठ हो गया और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या दो और दो चार स्टार वाला जो है वो प्रतिबंधित है ठीक है? तो चार हो गया माइनस में अब टू आठ में चार गया। चार दो दूक टू कट के हो गया दो तो ये हमारा बंधन कोटि हो गया ऑर्डर किसका सी का अब मैं सी माइनस का आपको लिखकर दिखाता हूं तो सी टू माइनस का क्या हो जाएगा वो देख लीजिए आप लोग सबसे पहले हम लोग सी टू का माइनस नहीं है इसमें हम लोग को प्लस का लिखना है ठीक है तो अगर हम सी प्लस का लिखना चाहें मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब कि यहां पे हमारा पांच रहेगा ठीक है तो वन एस वन एस टू टू एस टू टू पी वन ठीक है तो अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे पहला वन एस का मिलाते चलते हैं ठीक है फिर टू एस का बनाएंगे मिला देते हैं आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा बहुत ही बढ़िया लगेगा ठीक है फिर अब बनाते हैं हम लोग टूपी का थोड़ा छोटा बड़ा बन जा रहा है इसीलिए बोलूँ आप लोग स्केल का बनाइएगा अब इसको भी मिला देते हैं डॉटेड लाइन से मिलाना है आप लोगों को अब हम लोगों ने इसको मिला दिया ठीक है अब आपको क्या करना है जनरली नाम लिख देना है वन एस टू एस टू पी ठीक इसी प्रकार इधर भी वन एस टू एस टू पी किसका बना रहे हैं हम लोग कार्बन का तो एक कार्बन यहां और C प्लस यहां मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है C प्लस है तो यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन भरना है और यहाँ पे हम लोग को छह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे C2 टू प्लस सी टू प्लस यहाँ पे भरेंगे तो छह इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक दो पहले इसका नाम लिख लेते हैं तो सिग्मा वन एस स्टार वन एस फिर सिग्मा टू एस सिगमा स्टार टू एस ठीक है फिर पाई टू पी एक्स फिर पाई टू पी वाई फिर सिग्मा टू पी, पी एकस, फिर पाई स्टार टू पी एक्स फिर पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड इतना तो हम लोगों ने इसका लिख दिया नाम ठीक है अब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया तीन चार पांच और ठीक है पांच और छह भर दिया लेकिन इधर जब हम लोग भरेंगे तो चूंकि प्लस में मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो पांच ही इलेक्ट्रॉन बचा ना तो पांच इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे तीन चार और एक ठीक है अब जब पांच इलेक्ट्रॉन भर गया तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर कितना है छह इलेक्ट्रॉन और इधर पांच इलेक्ट्रॉन छह मतलब इसके बीच हम लोग ग्यारह इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक, एक ग्यारह अभी हमारा तैयार हो गया किसका बी सॉरी सी टू प्लस का ठीक है तो किसका मलिकुलर डायग्राम हो गया हमारा C2 टू प्लस का हो गया हम लोग का मलिकुलर तैयार। तो दोस्तों ऐसे ही बनता है सबसे पहले आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कंफ्रगेशन लिखना है उसके बाद दो लाइनें खींचनी है ये वाली और ये वाली ठीक है उसके बाद जिस हिसाब से आपको कंफ्रग्रेशन की है जैसे कि एक एस है एस है और पी है एस और एस और पी का बॉक्स बना लेंगे उसके बाद दोनों से मिलकर जो बॉक्स बनती है एक हायर एनर्जी लेवल का एक लोअर एनर्जी लेवल का बना लेंगे उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे दोनों को ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़कर और बीच वाले को फिल कर देंगे ठीक है तो ऐसे हमारा बन जाएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसका आप बनाना चाहते हैं ठीक है दोस्तों अगर आपको बहुत कठिन लग रहा है आप मेरे पहला वाला वीडियो देखिए इसमें जिसमें मैंने हाइड्रोजन हीलियम का पढ़ाया है ऑक्सीजन का पढ़ाया है, ठीक है सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का ही बताया था उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम का जब देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको किसी भी अनु का कैसे मलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है ठीक है दोस्तों तो यही आप, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाइए तो ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें थैंक यू